परमेश्वर के दास ने 31 दिसंबर 2022 नए साल की रात को पूरी दुनिया को दी आने वाले समय के लिए चेतावनी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। आप सुनेंगे न्यूज में कि दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटरी से उतर जाएंगी। दो ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई। आत्मा खैर है कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया। आप सुनेंगे न्यूज में कि दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटरी से उतर जाएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स कई जगह पर कई देशों में आपको सुनाई देगी। न्यूज चैनल ने भी किया इसे कंफर्म। बड़ी खबर है ग्रीस से, जहां बड़ा रेल हादसा हो गया है। दो ट्रेनों की टक्कर में यहां 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इस हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। कई डिब्बे पटरी से उतरे और 3 डिब्बों में आग भी लग गई। मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के बीच ये भयंकर भिड़ंत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की ग्रीस से, जहां एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। दो ट्रेनों की आपस में टक्कर के बाद 16 लोगों की जान चली गई, जबकि इस बड़े हादसे में 85 लोग घायल हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, देखिए किस तरीके से ट्रेनें टकराने के बाद ये कचरे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। एक पैसेंजर ट्रेन थी, दूसरी मालगाड़ी थी। आप सुनेंगे न्यूज में कि दो ट्रेनें आपस में टकरा जाएंगी, पटरी से उतर जाएंगी, जिनकी टक्कर हो गई और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि इस हादसे में 85 लोग घायल हो गए हैं। शुरुआती ये जानकारी मिल रही है, दोनों ट्रेन की टक्कर में 16 लोगों की मौत भी हो गई है, 85 लोग घायल हैं। राहत बचाव का काम जारी है और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी, खाना खत्म हो जाएगा। और ब्रिटेन में टमाटर, मिर्च समेत कई सब्जियों की कमी अब हो गई है। ऐसे में लोगों को सीमित मात्रा में ही सब्जी खरीदने की अनुमति है, और जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान हैं और टमाटर, खीरा, गोभी जैसी सब्जियों से महरूम हो चुके हैं। खाना खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे प्रभु के दास के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द हुआ पूरा, खाना खत्म हो जाएगा। यानी एक दिन में 2 खीरा और 2 टमाटर ही खरीदने की अनुमति है। इसी तरह से दूसरी सब्जियों पर भी लिमिटेशन है। ब्रिटेन में ऐसा संकट लिवरपूल, पूर्वी लंदन समेत कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में सब्जियों को लेकर 37 वर्षों में सबसे बड़ा संकट देखने को मिला है। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी, महंगाई हो जाएगी। कैटरिंग का बिजनेस कर रहे लोगों के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कई जगह पर जो लोग आयात निर्यात करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आएगी। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि ब्रिटेन में सब्जियों का आयात ही नहीं हो पा रहा है। सुपरमार्केट में इन दिनों सब्जियों को खरीदने की लिमिट तय कर दी गई है। सब्जियों को लेकर लोगों को एक तय मात्रा में खरीदारी करने को कहा जा रहा है। ब्रिटेन के कुछ बड़े सुपरमार्केट में ये नियम लागू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि सुपरमार्केट के बाद जल्द ही अन्य रिटेलर्स और होलसेलर्स भी इस नियम को लागू कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और भी गहरा सकता है। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस बात को सुन लेना, अगर आप फूड का काम करते हैं, फूड के काम में आप अपने फूड को बचाना, आप सुन रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी बुद्धि यूज करना। जैसे कि पवित्र कलाम आमोस की किताब 3 अध्याय के 7 आयत में लिखा है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मरण बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने भेजे हुए भविष्यवक्ता प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी पर हर बार अपने भेदों को जाहिर किया।